तो दीदी ये तो और हुई पहले गुरु की बात, लेकिन फिर और भी गुरुओं ने आपको गढ़ा होगा, और भी गुरुओं ने आपको जी रिफाइन किया होगा। रागगिरी जी का ये मंच इसीलिए है कि आप उन गुरुओं को भी याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी क्रम में मैंने कहा ना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि सद्गुरु मुझे मिले, और इतने सरल और सहज हुआ करते थे ना कि पता नहीं चलता था कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी आपके सामने है ना। क्योंकि मैं तो बच्ची थी, बहुत नटखट भी थी, तो बैठ के सीखना एक बड़ा एक उनके लिए टास्क हुआ करता था। लेकिन उनका जो जब गायन सुनती थी तो बैठ जाया करती थी। तो ये संगीत की शक्ति थी, और ये हमारे गुरु का आशीर्वाद रहा, हमारे गुरुजनों का वो रहा कि मतलब होती चली गई ये यात्रा सीखने की, आगे मेरी बढ़ती गई। और हमारे कॉलोनी में ही विदुषी पूर्णिमा चौधरी जी रहा करती थी उस दौरान। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको सिखाने के लिए भेजिए मेरे यहाँ। तो मैं फिर उनके घर जाया करती थी, और उनके यहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, विभिन्न रागों की हुई, और वो जो उपशास्त्रीय है वो भी सिखाती थी। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत प्रेम और सहजता, बहुत सरलता से सिखाया। और वास्तव में ऐसा भान ही नहीं हुआ कि जिनको सब इतने उसमें जानते हैं उनसे मैं सीख रही हूँ। तो ये क्रम रहा। उसके पश्चात विदुषी डॉक्टर श्रीमती मंजू सुंदरम जी, उनसे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। और उसके बाद पंडित मोहन मिश्र जी, स्वनाम धन्य बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध वो कलाकार रहे हैं, और उनसे उन्होंने मुझे शिक्षा दी। और पद्म विभूषण श्रीमती गिरजा देवी जी से मुझे ये उनका सानिध्य मिला और उनका आशीर्वाद मिला। और उनसे भी मैंने जो उपशास्त्रीय चीजें उनसे सीखी, ये मेरा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है। दीदी इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई एक शास्त्रीय राग, मतलब अब चूंकि हम लोग इंटरनेट की दुनिया में जुड़े हुए हैं तो बहुत विस्तार से तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोई एक शास्त्रीय राग हमें सुनाइए।
दीदी, आपने जितने नाम बताए ना, ये सारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे नाम हैं कि जी मतलब जिनको जिन नामों को लेने से पहले लोग ऐसे कान को अपने पकड़ते हैं। और जी मतलब ये इसमें बनारस का कितना बड़ा योगदान था कि मतलब अगर मान लेते हैं आप कानपुर में होती या मान लेते हैं आप इलाहाबाद में होती तो क्या ये मिलता, या ये सब कुछ देखिए ये मिला क्योंकि आप बनारस में थी? ये तो जिसको कहते हैं ना भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी, है ना। कुछ भजनों में भी है ना, काशी में बसाओ नाथ काहे करत देरी, है ना। शंकर शिव महादेव सुन सुन पुकार मेरी, काशी में बसाओ नाथ काहे करत देरी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मेरा जन्म और सब पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है, तो इसलिए भोले बाबा की जब कृपा मिल गई तो जो परम गुरु हैं, जो आदि गुरु हैं, जो आदि देव हैं, तो उनकी नगरी में ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए जिसको कहते हैं ना कि एक तरह का आशीर्वाद रहा, और वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली रही। और ऐसे गुरु नहीं मिलते, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर अन्य किसी शहर में रहती तो कितने मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा ना सद्गुरु को एक पाने के लिए ये तो समझा, मतलब जो ऐसे दौड़ेगा वही समझ पाएगा, लेकिन इतनी सहजता से चूंकि काशी थी और वहां पे सब हमारे गुरुजी लोग मिल गए, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। दीदी, कभी कोई अड़चन भी रही, कोई संगीत सीखने में कोई अड़चन भी आई? मतलब चूंकि हम सब लोग, एक जमाना वैसा भी था कि संगीत क्या सिखाना है, बेटी को क्यों सिखाना है, बेटी सीख के क्या करेगी, इस तरह के सब तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में नहीं होते थे, परिजनों के मन में नहीं होते थे, लेकिन पड़ोसियों के मन में होते थे। कभी ऐसी कोई अड़चन भी आई क्या? देखिए अड़चन तो बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि सब बहुत खुले सोच वाले लोग थे। हमारी जो कॉलोनी में लोग थे वहाँ पे भी क्या हुआ करता था कि ये होली और इस तरह के जो त्योहार और पर्व हुआ करते थे तो उस समय संगीत के आयोजन हुआ करते थे, और वहाँ पे एक पार्क था जहाँ की संगीत के आयोजन हुआ करते थे, तो सभी लोग बड़े चाव से सुनते थे सुनाते थे। तो इसलिए इस तरह की तो कोई अड़चन मतलब ये कहना चाहिए कि बड़ी सौभाग्य की बात है मुझे नहीं आई, लेकिन हाँ निश्चित लोगों को आती है और बड़े दिक्कतें आती हैं इस क्षेत्र में, और विशेषकर स्त्रियों के लिए तो राह थोड़ी और कठिन होती है, लेकिन सौभाग्य से मेरा रास्ता बहुत ही आसान रहा इस मामले में। जी रेवती सागलकर जी के साथ इस बातचीत में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कल फिर मिलेंगे आपसे रात 10 बजे और दिखाएंगे आपको इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।